हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटीए व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम खड़े हैं टीवीएस की एजेंसी के सामने और आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाची 162V के बारे में। तो चलिए इस बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन की बातें करते हैं। तो ये हाल ही में लॉन्च हुई है डिजिटल स्पीडोमीटर वाले और इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और राइडिंग मोड भी दे दिया गया है इसमें, जो इसकी 4V आती है। काफ़ी चेंजेस किए गए हैं इसके न्यू वाले अपाची 162V में, राइडिंग मोड और इसमें हेडलाइट में चेंजेस, तो काफ़ी चेंजेस है बैकलाइट में चेंजेस। तो चलिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें लगा है 159.7 सीसी का एयर कूल्ड बेस 6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 15.82 पीएस की। यही इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बात करें तो 13.85 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें इतना पावर के साथ ये इजीली कैपेबल है रियल लाइफ रिव्यू में 125-126 तक टॉप स्पीड ये इसकी इजीली चली जाती है और ये है इसके अपाची की स्टिकरिंग। चलिए इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। तो फ्रंट में लगा है 270mm का डिस्क ब्रेक और रियर टायर मिलेंगे 90 सेक्शन के टायर और यही आपको इसके रियर में मिलेंगे 130mm का डिस्क ब्रेक और इसके रियर टायर की बात करें तो 120 सेक्शन के टायर है, तो काफ़ी अच्छे चौड़े टायर्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सेफ्टी में आपको इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ आती है ये बाइक और ये है RTR 160 की स्टिकरिंग और ये इसके सिंगल सीट आते हैं। सीट की कुशनिंग सॉफ्ट है, ठीक है, आपको लंबे राइड के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल महसूस होगा। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें लगा है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज अप्रॉक्स 45 किलोमीटर पर लीटर, बट रियल लाइफ में आपको ईजिली 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देती है ये बाइक। तो चलिए इसके मीटर कंसोल की बात करते हैं। तो ये है इसका न्यू सबसे बड़ा चेंजेस, तो इसमें दे दिया गया है डिजिटल स्पीडोमीटर और इधर मिलेंगे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें दे दी गई है, जो इसके अपाची 4B में आते थे। और इधर मिलेंगे आपको राइडिंग मोड बटन और इंजन किल स्विच सेल्फ बटन, तो ये काफ़ी अच्छा किया है जो राइडिंग मोड दे दिया गया है इसमें, जो इसकी अपाची 164V आती थी उसमें दिया जाता था। इस बाइक का ओवरऑल कर्ब वेट है 137 kg, तो ठीक है। और इसमें आपको TVS देती है 5 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। तो चलिए इस बाइक के मैं आपको प्राइस की बातें करता हूँ। तो इसका एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 1,90,000, तो आपके नियर बाय में क्या है वो कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।